वो कहते हैं सारे रास्ते सही हैं। अरे भी सारे रास्ते कैसे सही हैं जी? ये तो हमारा हिंदू भाई भी नहीं मानता, चारों रास्ते हर रास्ता सही। पहले हदीस देखते हैं, उसके बाद एक श्लोक देखते हैं। हदीस किस तरह? وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين يميني وخط خطين يساري ثم وضع يده في الخط الاوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا عن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رواه ابن ماجه في كتاب المقدمه في باب اتباع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت امام ابن ماجه فاستعلوا جلدي جلدي تمہیں پڑھنا حدیث پرفیکٹ حدیث پڑھ رہا ہوں. حضرت جابر بن عبد الله فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے एक सीधा खत खींचा, ही ड्रू अ स्ट्रेट लाइन, आपने एक सीधी लकीर खींची और उस सीधी लकीर के दाएं तरफ दो लकीरें और बाएं तरफ दो, कितनी हो गई? 2 × 2 = 4, चार हो गई ना, चार। और आपने उंगली किस पर रखी? बीच वाली पर। थाना सभी लोग अल्लाह करा था, फिर ये चार उंगली आपने तो बीच वाली पर रखा, गोया वही नहर है, वो नहर की जो मिसाल मैंने दी ना, ये लकीर से आपने समझाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया, उसको बोर्ड के ऊपर समझाया, एक लकीर खींची, लकीर के दाएं तरफ दो लकीरें, लकीर के बाएं तरफ दो लकीरें, और आपने फरमाया ये जो सीधी लाइन जा रही है ये अल्लाह का रास्ता है, फिर ये चारों ये अल्लाह के रास्ते नहीं, आगे चल करके सब खराब हो गए रास्ता जी। आपने फरमाया फत्तबिउ, इसी एक रास्ते की इत्तेबा करो, वला तत रास्ते के ऊपर चलो, रास्तों पर ना चलो। क्या? अरे आप लोग खामोश बैठे हुए, रास्ते पर चलो, रास्तों पर ना चलो। गीता का श्लोक भी है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सर्वधर्मान, धर्म धर्मो धर्मा, धर्मम धर्मो धर्मान, धर्मेण धर्माभ्याम धर्मे, धर्माय धर्माभ्याम धर्मेभ्य, धर्मात् धर्माभ्याम धर्मेभ्य, धर्मस्य धर्मयो धर्माराम, धर्मे धर्मयो धर्मेषु। तो धर्मान सर्व धर्मान, सारे के सारे धर्म परित्यज्य त्याग करके, सारे के सारे धर्मों को रास्तों को त्याग करके माम एकम शरणम व्रज, मेरे एक की शरण में आ जा। आला समीरुल्लाह, ये अल्लाह का रास्ता। सर्व धर्मान परित्यज्य, तमाम धर्मों को रास्तों को छोड़कर सिर्फ मेरी शरण में आ जा। तो अहम माने मैं, अहम माम माम महम महम मैं मत मम मैं मई जी, अहम मैं तो तुझको, मैं तुझको तमाम पापों से, सर्व पापे भेव तमाम पापों से मोक्षयिष्यामि, निजात दे दूंगा, मोक्ष दे दूंगा। मा शुचा, डोंट बी सैड, गम मत कर जी, गम मत कर, तमाम पापों से तुझको मैं निजात दे दूंगा। तो ये तो गैर भी हमारे बरादर वतन भी इसको नहीं मानते, तो गीता में आई सर्व धर्मान परित्यज्य, तो तमाम रास्तों को छोड़ दे, एक रास्ते पर आ जाल, सिर्फ ईश्वर की शरण, वही सब कुछ करने वाले। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अब्दुल गफ्फार तरफ सही है ना? ये वो भाई डिप्लोमा कर रहे हैं संस्कृत से, तो जी तो रास्ता सिर्फ एक, रास्ता सिर्फ एक, हादा सबीलुल्लाह, एक ही रास्ता है जो बारगाह रिसालत से शुरू होता है और जन्नत के दरवाजे पर खत्म होता है, दैट इज कॉल्ड सिरात मुस्तकीम, एहदिनस सिरात मुस्तकीम। न इस रास्ते से कोई रास्ता निकलता है, न इस रास्ते में कोई रास्ता आकर मिलता है, ये रास्ता ऐलान है, तन्हा है, सीधा बारगाह रिसालत से निकलता है, जन्नत के दरवाजे पर पहुंचकर खत्म हो जाता है। बात समझ में आई?